नमस्कार फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, जिससे हम आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो, आज मैं नैरो पैंट की कटिंग आपको बताऊंगी। वैसे मैंने पहले भी डाली हुई है वीडियो, लेकिन मेरे सब्सक्राइब कहते हैं कुछ इशू हैं जिनको मैं आज क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी और अच्छे से आपको समझाऊंगी कि किस नाम में हमें कितना आसन लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमें नैरो पैंट काटने के लिए ये स्केल और ये शेप पट्टी, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप नैरो पैंट कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना हमारी शेप ही नहीं आती और वो पैंट अच्छी नहीं बनेगी। ये होना बहुत जरूरी है। किसी भी दुकान से आप 50-60 रुपए में मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। और ये ले लीजिए, उसके लिए हमें चाहिए इंची टेप, चौक और सीज़र। और जो नैरो पैंट हम काटने जा रहे हैं उसकी लंबाई है 35-35 और इसका पोंचा मोरी है इसकी 14-14, हिप 40-40, कमर 39 यानी कि 39 इंच। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नैरो पैंट बनाने के लिए 2.25 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है और कपड़े को हम ऐसे अच्छे से प्रेस करके ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे बीच में जैसे मैंने किया हुआ है। ऐसे खुली साइड हम अपनी साइड रखेंगे और बंद अपोजिट। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे ऊपर से स्केल की सहायता से। ये देखिए जो भी कान होती है वो निकल जाती है। ये देखिए हमारे कपड़े में इतना दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हम इंची टेप लेंगे ये हमने कपड़ा सीधा कर लिया है। उसके बाद हम लेंथ लेंगे जितनी भी हमने हमारी पैंट की लंबाई है। उसके लिए हम जो ऊपर बुकर्म लगाते हैं, इलास्टिक डालते हैं, जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक उतना आप इंची टेप को ऊपर ऐसे छोड़ देंगे। ये मैंने 1 इंच छोड़ा है, 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए हम नीचे पूरी लेंथ का ये निशान लगा लेंगे। ये देखिए 35 ये हमने निशान लगा लिया। अब ऊपर से 11 इंच पे हम एक निशान देंगे। एक निशान हम यहाँ से दे देंगे। इंची टेप को ऐसे ही ऊपर रखना है, ये ध्यान से देखिए आप। अपनी थाई को नापते हुए हमने जितनी आपकी थाई है उसके हिसाब से चौथा भाग हमने यहाँ पे लेना है, 11 इंच जितना भी आपका नाप आता है उसके हिसाब से। उसके बाद हम स्केल से इसको सीधा कर लेंगे। ऐसे हम अब इस शेप पट्टी की सहायता से, ये देखिए हमारा यहाँ 11 है तो हम यहाँ पे शेप पट्टी को ऐसे रखेंगे ऐसे और नीचे तक ये तकरीबन हमारा 2-3 इंच कपड़ा ऐसे भर रहता है। इसको रहने दीजिए, आप ऐसे इसको निशान लगा लीजिए ऐसे तिरछा। ये शेप पट्टी के बिना नहीं लगता। अब हम यहाँ से नापेंगे, जैसे कि हमारा आसन है यहाँ से ऊपर से हमने लिया है 11 इंच, 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए नीचे की तरफ 11 इंच लिया है। जैसे हल्का साइज है, हैवी साइज है तो ये 11 इंच लिया है, आप 10-10.5 भी रख सकते हो। वैसे आज मैं आपको सारे नाप में कितना आसन लेते हैं वो मैं आपको सारा बताऊंगी। ये थाई के हिसाब से हम रखते हैं चौथा भाग। अब यहाँ से हम रखेंगे 11 इंच, 40 हमारे हिप हैं उस हिसाब से है,
ले लिया हमने ये 11 इंच, 1 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है और उससे आगे 1.5 इंच हमने ये ली है लूजिंग, क्योंकि पैंट बनाना है लूजिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो टोटल हमारा बन जाता है ये, टोटल हमने 2.5 इंच, आप ऐसे भी ले सकते हो, कन्फ्यूज़न मत के एक लेना फिर उसके बाद 1.5, नहीं आप सीधा जैसे आपने यहाँ से 11 नापा है, 11 इंच हमने लिया है, सीधा ही आप 2.5 इंच भी आप आगे ऐसे ले सकते हो। और उसके बाद अपना ये वाला निशान हम पहले ये सीधा करेंगे, और इसको हम ऐसे यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब यह आप यहाँ से ध्यान से देखिए, जैसे हमारा टोटल बनता है 14 इंच, 14 का हाफ कितना हो गया 7, यहाँ 7 पे हम एक निशान देंगे। अब हम नीचे जैसे हमारा पोंचा रखना, हमने पोंचा रखना है 7 इंच, तो 7 के लिए पहले हम पूरा 14 पे निशान लगा लेंगे ऐसे 7 पे, उसका हाफ हो गया 7, इस लाइन को भी हम स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। ऐसे जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक 14 इंच है, तो हमने उसका हाफ किया 7, तो 7 को हमने ये सीधी लाइन लगा ली। अब हमने मोरी कितनी रखनी है अपनी, मोरी है हमारी 14 इंच, तो हम 14 इंच कैसे रखेंगे, 3.5 इधर से निशान लगाएंगे और 3.5 इधर से लगाएंगे। ये देखिए, जैसे शेप पट्टी को हमने इधर से ऐसे रखा था, अब हम इसको ऐसे पलटेंगे और जहां से हमने ये गोलाई दी है उसको यहाँ पहुँचे पे जहाँ पे हमारे 3.5 इंच का निशान है, उसको भी हम ऐसे ही ये देखिए, जैसे जो हमारे ये निशान यहाँ ऐसे आ रहा है बिल्कुल शेप में, तो ये हमारे इंची टेप के साथ नहीं आ सकता, ये इधर से भी हम ऐसे ही करेंगे निशान को। भी ऐसे ही देखिए बिल्कुल शेप में ऐसे, और इसको हम थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे एक तरफ से कि हम फोल्ड करने में आसानी हो जाए। नीचे आप जितना मर्जी कपड़ा ले सकते हो, जितनी चौड़ी आपने नीचे से पैंट को फोल्ड करना है, वैसे 2 इंच बहुत होता है। ये देखिए, अब आपको आई होप कि आपको ये ड्राफ्ट समझ में आया हो। अभी हम उसके बाद बैक पेस कटिंग करेंगे। जैसे हमने लाइन लगाई हुई है, पहले हम इसको ऐसे सीधा वाला कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा है हमारा कपड़ा, कान बोलते हैं हम जिसको अपनी आम भाषा में। अब हम इसको कटिंग करेंगे, और यहाँ से हम कैंची को जैसे कि मैंने तिरछा निशान, तिरछा काटने का पर्पस यही होता है कि ये हमारा आसानी से फोल्ड हो सके।
ऐसे आराम से कटिंग करेंगे। अब हमारा ये नैरो पेंट है जो अगले पेज कटिंग हो गए हैं। अब हम प्लेट कैसे डालते हैं, प्लेट का एस्टीमेट आपको बताऊंगी। अब देखिए कि हम प्लेट कैसे डालते हैं, प्लेट डालने का क्या हमारा कैसे है। प्लेट को आप इस कपड़े को ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे यहाँ मिला देंगे, इस चीज़ को उठा के यहाँ। अब हम प्लेट कैसे डालेंगे आगे, उसके लिए हम ऐसे इसको उठाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। इसको ऐसे उठाएंगे और इसको हम आसन वाले निशान को यहाँ पे मिला देंगे और इसको ऊपर से ऐसे हाथ से भी दबा सकते हो, प्रेस भी कर सकते हो, तो कॉटन का कपड़ा है, आसानी से बैठ जाता है। इसके लिए हम निशान लगाएंगे 4 से 4.5, इतनी हमारी ये हमारा प्लेट हम जहाँ पे डलेगी ये हमारा निशान है। प्लेट की लंबाई हमेशा पैंट में 4 से 4.5 इंच ही होती है। उसके लिए उसके बाद हमने निशान लगा लिया है, हम यहाँ पे एक गुटका लगा देंगे जिससे हमें ये देखिए ये क्रीज बन गई, जिससे हमें पता रहेगा कि हमारी यहाँ पे प्लेट है। दोनों साइड निशान हो गया, चाहो तो आप ऐसे कैंची की नोक से भी ऐसे यहाँ पे निशान दे सकते हो ऐसे, और ये देखिए पिछली साइड भी आपका निशान आ जाएगा दोनों तरफ। और उसके आगे हम फिर एक गुटका हम यहाँ पे देंगे कि हमने यहाँ से फोल्ड करना है, और एक गुटका हम यहाँ पे लगा देंगे निशान। अब हम आपको बताती हूँ मैं आपको कि बैक साइड कैसे कटिंग करनी है। यह है हमारा फ्रंट, ये ऐसे ही हम आप कपड़े को ऐसे बिछाएंगे जैसे मैंने बता दिया आपको, ऐसे हम इधर से भी कपड़े को ऐसे ही सीधा करेंगे, कान निकालना कपड़े में बहुत ज़रूरी है। पहले हम कपड़े को ये देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो गया है। पिछले पेज के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रंट अपना कटिंग किया है उसको हम ऐसे बिछाएंगे ऊपर की तरफ, हम 2 से 2.5 इंच छोड़ते हुए पेज को बिछाएंगे, क्योंकि फ्रंट हम आपको ये मैंने क्यों छोड़ा है वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। ये देखिए ये हमने कपड़ा अपना बिछा लिया है। अब हम अपने फ्रंट जो ये हमारा फ्रंट है और ये है हमारा बैक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बहुत चेंजिंग आती है कि पिछले में अगर हम एक जैसा ही कटिंग कर लेंगे, जैसे कि बीच में सिलाई उठती है, उठने बैठने में लेडीज़ को दिक्कत होती है, वो सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप इस तरह कटिंग करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इस पेज से इसको 2 इंच बढ़ाकर काटते हैं बैक साइड को, यहाँ से भी 2 इंच और यहाँ से भी 2 और यहाँ से इसको हम 1.5 इंच, ऐसे सीधा नहीं हमने लेना है, ऐसे हमने तिरछे साइड लेना है ऐसे, और यह यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच।
डेढ़ डेढ़ इंच हमको ऊपर से 2 इंच और नीचे से डेढ़ डेढ़ इंच हम उसको बढ़ाते हुए बैक पल्ले को डेढ़ इंच हम यहाँ से बढ़ाएंगे। इसी में हमारा मार्जिन आ जाता है। ये बिल्कुल हमारा जो कटिंग होती है फ्रंट पेज की, ये हमारी बिल्कुल तैयार होती है। मार्जिन वगैरह जो हम रखते हैं वो बैक साइड में रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जो हमने यहाँ से लिया है अपना 2-2 इंच हम इसको स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे निशान को। और यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है, यहाँ से हम इसकी इसको गोलाई देंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ से ये पेस इतना हमारा बढ़ गया और यहाँ से हमारा 2-2 इंच बढ़ गया। जैसे कि हमने ऊपर रखा था कपड़ा, ये ऊपर हमने कपड़ा रखा हुआ है, ये किस लिए रखा है, यहाँ से हम 2 इंच जैसे हमने यहाँ से इस साइड से ऐसे बढ़ाया, इससे भी हम ऊपर 2 से 2.5 इंच हम यहाँ से बढ़ाएंगे। अगर हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच लेंगे, हल्का है तो आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं, साइज के अनुसार ही रखते हैं। इसमें हम 2.5 इंच ले लेते हैं ऊपर की तरफ, इसको हम बढ़ा के काटेंगे। अब इस निशान को हम ऐसे साइड में नहीं बढ़ाएंगे, इसको सिर्फ आसन की तरफ ही बढ़ाना है। इस निशान को हम ऐसे तिरछा यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इस साइड से मत बढ़ाना, आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। सिर्फ हमें हिप साइड से जाके पीछे से, लेडीज़ के हिप ज़्यादा भारी होते हैं, पैंट नीचे की तरफ खिसकती रहती है, इससे ये नहीं खिसकेगी। सिर्फ हमने आसन की तरफ से ही बढ़ाना है। ये देखिए अब निशान लग रहा है तो आप आसानी से देख सकते हो। जैसे बीच में से सिलाई उठती है चलते वक्त पैंट की, वो भी नहीं उठेगी, सिर्फ वो 2 इंच ऊपर लेने से 2 या 2.5 इंच। अब देखिए हम इसकी कटिंग करते हैं ऐसे ही। इस निशान को आप ध्यान से देखिए, इस निशान को 2 इंच से हमने तिरछा मिलाना है, इस साइड से हमें नहीं बढ़ाना, सिर्फ आसन की तरफ से। अब इसको हम ऐसे ही कटिंग करेंगे, ऐसे ही तिरछा जैसे हमारा निशान है ऐसे। ये देखिए अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इस साइड से नहीं बढ़ाया, मैंने सिर्फ इधर से ही बढ़ाया है। ये हमने गोलाई डाल दी, ये देखिए अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए जिससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस साइड से हमने बढ़ाकर नहीं काटना है, इधर से काटना है ऐसे ही। हम इधर से भी थोड़ा सा तिरछा कटिंग करेंगे हल्का सा, ये देखिए ये आपको इधर से बढ़ा हुआ नज़र आ रहा होगा बड़ी आसानी से। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि इस नाप में हमें कितना चाहिए, कितना आसन लेना चाहिए, मैं वो किस साइज में कितना आसन लेना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब देखिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था, नाम उनका मेरे अभी याद नहीं है, कुछ और पीछे लगा हुआ था, पूरा नाम मेरे याद नहीं है। उन्होंने पूछा कि किस नाप में कितना आसन हमें लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी थाई को नापिए, उसके हिसाब से आप चौथा हिस्सा ले लीजिए। अगर आपकी थाई
24 से 25 है तो आप उसमें आसन रखेंगी 10। अगर आपकी थाई 26 से 27 है तो आप उसमें आधा इंच बढ़ा देंगी 10.5। अगर आपकी थाई का नाप 28 से 29 है तो आप आसन रखेंगी 11। अगर 29 से 30 से 31 है तो आप इसमें आसन रखेंगी 11.5। अगर आपकी थाई 32 से 33 है तो आप आसन रखेंगी 12। अगर ऐसे ही आप आधा आधा इंच बढ़ाते हुए जाएंगे, अगर 33 से 34 है, 35 से 36 है तो आधा आधा इंच आप 12 12.5 13 13.5 ऐसे ही बढ़ाएंगी। अगर आपकी थाई कम होती जाती है, जैसे कि बच्चे होते हैं पतली होती हैं, कहीं 24 से 25 है 23 से, ऐसे ही आप ऊपर की तरफ घटाती हुई जाएंगी। जैसे ये 10 है उसमें लेंगी 9.5। किसी बच्चे की है 9 ले लेना आप आसन, पतला है 8 ले लेना, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे 23-24 में जाएंगे, 22-21 में जाएंगे तो उसमें आसन घटता हुआ जाएगा आधा आधा इंच, ज़्यादा नहीं। अगर बढ़ता हुआ जाएगा साइज थाई का तो आपका आधा आधा इंच बढ़ता हुआ जाएगा। और आप बैक साइड में ऐसे ही 2 इंच हल्का साइज है तो 1.5 इंच बढ़ाकर काटिए, अगर हैवी साइज है तो 2-2.5 इंच काट लीजिए। यही सारे नाप हैं जी, यही नाप मेरे पास अभी तक आए हैं। जैसे 35 और 36 में 12.5 की होती है कटिंग, और मेरे को लगता है कि आई होप कि आपको अच्छे से ये पैंट की कटिंग समझ में आई होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।